हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक यूनिक सा सॉक्स बनाकर लाई हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने 6 मंथ से 1 ईयर के बेबी के लिए बनाया है। बहुत ही प्यारा सॉक्स है फ्रेंड्स। और इसकी ये खासियत है फ्रेंड कि ये मैंने जो हमारे पास छोटे छोटे ऊन के टुकड़े बच जाते हैं फ्रेंड्स, उसका मैंने बनाया है। देखिए मैंने इसमें कितने सारे कलर्स यूज किए हैं, तो आप लोग भी बनाइए। बहुत इजी सॉक्स है, बहुत जल्दी एक दिन में आप आराम से इसे 1 घंटे के अंदर आप ये दोनों सॉक्स ईजिली घर पे बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये क्रोशिया से किया हुआ है और इसकी एक लंबी से स्ट्रिप तैयार कर ली है मैंने। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए बस इसकी आपको स्टिचिंग करना बताऊँगी। अब मैंने इसको बनाया है, तो इसका आपने मेजर कैसे करना है, आपने अपने बेबी का पैर लेके आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 15 फंदे से स्टार्ट किया है, फिर आप ये पंजे तक माप लेंगे, जितनी लंबाई होगी आपके बेबी का उतना आप लेंगे। मैंने यहाँ पर 10 ये डिज़ाइन डाली है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये वाइट कलर का और मर्जेंटा कलर का ये देखिए 4 रो डाले हुए हैं, 4 रो ये, 4 ये, 4 ये, तो ये मैंने 4 × 8 ये 20 रो टोटल मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। दोनों साइड से मैंने ये उल्टी उल्टी निटिंग की है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 10 ये डिज़ाइन बनाई है। ये डिज़ाइन मैंने बताया है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, सिंपल सी कोई भी डिज़ाइन, या तो आप सिंपल ही जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है आप वैसे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी स्टिचिंग करने की ही है, और इसमें बिल्कुल सिंपल है, आप अपने लिए भी ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए देखिए, मैंने ऊन को लिया है और बैक साइड से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग फ्रेंड्स यहाँ बीच से होगी, जो ये बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन है। तो यहाँ से देखिए, इसको हम इसको आपने छोटे छोटे देखिए ऐसे, ये देखिए छोटे छोटे आपने ऐसे टांके लगाने, देखिए ऐसे, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे खींचना है, देखिए इसको टाइट खींचना है। फिर हम यहीं से देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हम इसको देखिए धीरे से ऐसे ले जाके 2-3 टांके लगा देंगे, ताकि यहाँ हमारा जो ये छोटा सा होल बन जाता है, होल वो ना बनने पाए। ये देखिए हम यहाँ पे 2-3 ऐसे ही टांके लगा देते हैं। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड से ऐसे कुछ बनकर आएगा। फिर इसको हमने क्या करना है, इसकी स्टिचिंग ऐसे ही कर लेनी है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत इजी है, आप इसको अपने लिए भी बना सकते हैं। मैंने एक बड़ा साइज बताया है, 5 to 6 नंबर के लिए। उसमें भी मैंने अलग डिज़ाइन डाली है, पिंक और फिरोजी कलर का वो बनाया हुआ है, और एक ये। तो फ्रेंड्स मैंने कई सारे सॉक्स के डिज़ाइन बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे सॉक्स वाले वीडियो में। इसकी ऐसी ही सिंपल सी निटिंग करके हमने ये कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये देखिए हमारी साइड की स्टिचिंग करनी है, ये हमने स्टिच करना है। देखिए जैसे ये स्टिचिंग की है, तो ये अब हमने यहाँ से देखिए स्टिचिंग करनी है। तो ये भी आपने नॉर्मल ही स्टिचिंग करनी है फ्रेंड्स। देखिए ये मेजरमेंट मैंने फ्रेंड्स 6 to 1 ईयर्स के बेबी के लिए बनाया है। आपने जितने भी साल के लिए बनाना है ऐसे ही फंदे को बढ़ा लेनी है। ये मैंने 15 फंदे डाले हैं यहाँ पे, तो आप ये इजली बहुत जल्दी आप घर पे बना सकते हैं बचे हुए ऊन से।
आप इसको दो कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और कोई सी भी डिज़ाइन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये बराबर रहना चाहिए आपका। अब इसको हम यहीं से इसको टक करके धागे को कट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, तो सीधे करने पे देखिए ये ऐसे आएगा, कुछ यूं बनकर आएगा, ये देखिए। अब हमने देखिए फ्रेंड्स, इतनी स्टिचिंग कर ली, अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो आइए इसको उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर ये किया था स्टिचिंग करते समय, ऐसे हमने यहाँ से भी देखिए इसको छोटे छोटे हमने पहले टांके लगा लेने हैं ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टांके लगा के इसको टाइटली खींच लेना है, फिर यहाँ पे हमने इसको दो तीन बार टक कर देना है ताकि ये हमारा खुले ना। टाइटली आपने इसको टक करना है यहाँ से। टक करने के बाद फ्रेंड्स, हमने इसको देखिए, मैंने इसको कितना स्टिच किया है यहाँ मैरून तक, तो इसकी यहाँ तक स्टिचिंग कर देंगे फ्रेंड्स। नॉर्मल सी इसकी स्टिचिंग करनी है हमने यहाँ तक, तो इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग करके मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने ये सी ग्रीन कलर से इसको क्रोशिया किया है, सिंगल क्रोशिया आपने करना है। तो इसको कैसे करते हैं आइए मैं बताती हूँ। हम यहाँ सेंटर से इसको स्टार्ट करते हैं, तो आपने सिंगल क्रोशिया एक एक चैन लेते हुए कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हमने एक चैन लेना है, जस्ट हमने उसी के बगल से एक भी चैन छोड़ना नहीं है, सॉरी यहाँ से एक भी लूप छोड़ना नहीं है। इसको देखिए ऐसे ही, फिर एक चैन लेना है और जस्ट इसी के बगल से हमने देखिए करते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बनाकर दोनों कंप्लीट कर लिया। इसका सेम एक ही तरह दोनों पैर का बनेगा, इसमें लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कितने जल्दी बना और कितना प्यारा बना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।